Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. Subject code is KEC302 and here we are in lecture number 10. So what we have covered so far, जो हमने last lecture में बात की थी, हमने बात की थी function minimization using boolean algebra, कि boolean algebra का use करके, boolean laws का use करके हम function को कैसे minimize करते हैं. एंड द मेन थिंग जो वहां पे बहुत ज्यादा यूज में आते हैं बुलियन लॉज की तरह ही, दैट इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स थ्योरम. चेंज द लाइन एंड ब्रेक द साइन, दैट इज द राइम फॉर द डी मॉर्गन्स. इसका हमने यूज देखा था. नाउ अब इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन के टाइप्स होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म जिन्हें बोलते हैं. व्हाट इज द सॉफ्ट फॉर्म, व्हाट इज द पॉज फॉर्म, एसओपी, पीओएस, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. What is about the canonical form? Canonical form क्या होती है, min terms क्या होते हैं, max term क्या होती है. ये कुछ ऐसी terms हैं जो बहुत बार boolean expression के reference में बात की जाती है कि soap में है या pause में है, standard form में convert कर दीजिए, canonical form है या नहीं है, and what are the min terms and max terms. तो चलिए one by one start करते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा what is the sum of product and product of sum. Basically SOP और POS का मतलब क्या है. Like मैंने यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है, इस बुलियन एक्सप्रेशन में लिखा है ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. तो ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये बुलियन एक्सप्रेशन कर रहा है ए सी. ए सी इज अ प्रोडक्ट टर्म, ए बी, ए बी इज अगेन अ प्रोडक्ट टर्म, बी सी, बी सी इज अगेन अ प्रोडक्ट टर्म. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म्स का सम कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सम ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एस ओ पी. सिमिलरली अगर आप एक अनदर बुलियन फंक्शन कंसिडर करते हैं लाइक ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ दिस इज अ सिंगल टर्म जो कि क्या है, जो कि एक सम है, जो कि एक सम है. ए प्लस बी इज अ सम टर्म. इस तरह बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी एक सम है. ए प्लस सी क्या है, ए प्लस सी एक सम टर्म है. अब मैं इन सम टर्म्स को आपस में क्या कर रहा हूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मैं इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ टर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम. सो अगर आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दिया जाता है तो आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्लियरली क्लैरिफाई कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि वो एसओपी फॉर्म में गिवन है, दिस इज इन द एसओपी फॉर्म, और इन द पीओएस फॉर्म, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो सोप के बारे में या हम एसओपी के बारे में बात करेंगे वो होता है स्टैंडर्ड सोप, स्टैंडर्ड एसओपी, जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल एसओपी, कैनोनिकल फॉर्म. समटाइम्स क्या होता है, हमारे फंक्शन के अंदर जो हमारा एसओपी फॉर्म है, मैनी टाइम्स ऑल द इंडिविजुअल टर्म्स डू नॉट इन्वॉल्व ऑल लिटरल्स. अब इसका मतलब क्या है कि लाइक मेरे पास एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी सी बार, ठीक है, तो बेसिकली इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हुए, थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी, बट हर एक इंडिविजुअल टर्म जो है वो मेरे तीनों लिटरल जो है ए बी सी उनको कंटेन नहीं करती है. जैसे कि यहाँ पे ए बी सी तीनों वेरिएबल आ रहे हैं बट यहाँ पे ए बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा. द फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म डू नॉट कंटेन लिटरल सी. सो इन दिस केस इफ ईच टर्म इन एसओपी फॉर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल्स, देन द एसओपी फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी. यानी कि अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें कि इस ए बी में भी सी आपका इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि हर एक टर्म जो आपने लिखी है एसओपी फॉर्म में, ईच टर्म इंक्लूड्स all involve all the literals, then it is called a standard or canonical SOP. Okay, so sometimes हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है most of the time कि आपको एक function given है like that और आप इसे इसके standard SOP form में convert कीजिए. So कैसे convert करते हैं, let us take an example. So we have a question, convert the given expression in standard SOP form. Standard SOP form बोले या आपको बोला जाए convert the function in the canonical form, that is the same thing. Okay, so now the function is f of a b c, that is a three variable function. Function is what? Function is f, a c plus a b plus b c. Now, so here, अगर आप first term को देखेंगे a c, तो a c में basically कौन सा literal missing है? a c में missing है b. a c में क्या missing है? b missing है. Okay, b missing है. So हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? a c में multiply के साथ लिख सकते हैं b plus b bar. Now मैंने b plus b bar क्यों लिखा? क्योंकि मैंने b प्लस बी बार लिखा क्योंकि अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने बुलियन लॉ पढ़ा था कि अगर किसी वेरिएबल में उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है वन के. वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन. तो अगर मैंने यहाँ b प्लस बी बार लगाया है तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को मिनिमाइजेशन की तरफ से सोचता हूँ तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन. तो बेसिकली वैल्यू क्या बचेगी, ये वैल्यू ac ही बचेगी.
ओके सो हम फंक्शन को मिनिमाइज करने के बजाय फंक्शन को हम एक्सपैंड कर रहे हैं जिससे कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें कि उसमें कोई लिटरल मिसिंग ना हो। तो कैसे किया मैंने, यहाँ पे मेरा बी मिसिंग था तो आई हैव एडेड इन मल्टीप्लीकेशन बी प्लस बी बार। सिमिलरली अगर आप सेकेंड पार्ट देखेंगे सेकेंड टर्म, तो इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा लिटरल मिसिंग है, सी। सो हमने यहाँ पे सी प्लस सी बार को मल्टीप्लाई में एड ऑन कर दिया। सिमिलरली अगर आप इस लास्ट टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे ए मिसिंग है, सो वी हैव रिटन बी सी एंड देन ए प्लस ए बार। तो सिंपल सा स्टेप क्या हुआ, सिंपल सा प्रोसीजर क्या हुआ कि टर्म में जो भी आपका लिटरल मिसिंग है उस लिटरल को मैंने बी दैट लिटरल प्लस लिटरल कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ बी मिसिंग था तो बी प्लस बी बार हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। सो नाउ अब इसको एक्सपैंड कर लीजिए जैसे कि हमने पहले भी किया था, एक्सपैंड करूंगा तो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी दैट इज रिटन एज ए बी सी, देन ए सी मल्टीप्लाई बाय बी बार दैट इज रिटन एज ए बी बार सी, देन ए बी सी, देन ए बी सी बार, देन दिस बिकम्स ए बी सी एंड ए बार बी सी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टेप इज वॉट आई हैव रिटन ओवर हियर ए बी सी, आई हैव रिटन ओवर हियर ए बी सी। मैंने इसे बी सी ए क्यों नहीं लिखा, मैंने इसे बी सी ए इसलिए नहीं लिखा बिकॉज द फंक्शन सेट द लिटल्स आर ए बी एंड सी। तो जो भी मैं यहाँ पे टर्म्स लिखूंगा वो इसी फॉर्म में होना चाहिए कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा और उसके बाद आएगा, उसको फॉलो करेगा सी। बिकॉज जब हम इनकी वेटेज देखेंगे, बाइनरी वेटेज, अगर मैं बाइनरी वेटेज की बात करूँ तो दे आर थ्री वेरिएबल्स। तो अगर आपको याद हो बाइनरी वेटेज कितनी होती थी, 4, 2 एंड 1, 4, 2 एंड 1। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बेसिकली अगर यहाँ पे लिखा है ए बी सी तो ए इज कॉल्ड द एम एस बी एंड सी इज कॉल्ड द एल एस बी, या आपको इसी ऑर्डर में अपनी टर्म्स को अरेंज करना है। अगर यहाँ पे ए बी सी दिया है फंक्शन में तो मुझे ए बी सी की टर्म में ही फंक्शन को अरेंज करना है, नॉट इन बी सी ए, और या ए जैसे यहाँ पे था ए सी बी नहीं लिखा मैंने, ए बी सी लिखा है। तो मेरा फंक्शन हमेशा गिवन लिटरल्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन में ये चीज वैलिड है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जो कि हमने क्यूमुलेटिव लॉ पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा के अंदर इन द लास्ट लेक्चर। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो भी लिटरल मिसिंग है उसको बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, देन उसके बाद इसे एक्सपैंड कर दिया। नाउ आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास हो सकता है कुछ वैल्यूज जो है सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ पे भी आपका ए बी सी है। तो एज पर बूलियन लॉ हमने पढ़ा था ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है ए, तो अगर कोई मिनटा में एक से ज्यादा बार आ रहा है तो मैं उसे एक ही बार यूज करूंगा, यानी कि आई हैव रिटन ओनली ए बी सी ओवर हियर वन टाइम, देन ए बी बार सी, देन ए बी सी बार, देन ए बार बी सी। ओके सो दिस इज द फंक्शन ए बी सी विच इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। नाउ इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक टर्म में तीनों के तीनों लिटरल प्रेजेंट हैं, दैट मींस दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कैनोनिकल सोप। ओके अब जब आप फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम उस स्टैंडर्ड फंक्शन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर फंक्शन एसओपी फॉर्म में है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिन टर्म्स, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मिन टर्म्स। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द मिन टर्म्स, मिन टर्म्स कैलकुलेट होती है अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल जो है सिंपल उसे रिप्रेजेंट करता हूँ वन से, और अगर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है यानी कि बार है उसके ऊपर तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से। अब चाहे ए है चाहे बी है चाहे सी है, वॉट एवर ए बार बी बार सी बार, हम उसे वन और जीरो से इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, सो ए बी सी, तो ए बी सी को कैसे लिखेंगे वन, देन बी इज इक्वल टू वन, देन सी इज इक्वल टू वन। सिमिलरली ए बी बार सी, तो दिस इज वन, बी बार इज इक्वल टू जीरो, सी बिकम्स वन, then a becomes 1, b becomes 1, c bar becomes 0, like so on a bar b c is equal to 0 1। now अब ये क्या है, ये एक बाइनरी कोड है, इस बाइनरी कोड का मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर क्या है डेसिमल। कैसे बना, इफ यू रिमेम्बर 421 कोड, 421 कोड, तो अगर इससे हम इसका वेटेज बनाए तो 4 + 2 + 1 व्हाट इट बिकम 7। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट कोड के लिए वेटेज बनाओगे 421 से तो क्या वेटेज बनेगा 4 + 1 = 5। सिमिलरली नेक्स्ट डिजिट का क्या वेटेज बनेगा 4 + 2 = 6, देन दिस डिजिट 421 तो क्या वेटेज बना यहाँ पे 2 + 1 = 3। तो दीज आर कॉल्ड मिन टर्म्स, जिनका यूज आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे फंक्शन मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप की, तो वहां पे मिन टर्म्स बहुत ज्यादा यूजेज में आती है।
वहां पे क्वेश्चन में आपको मिन टर्म गिवन हो सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन में आपको इस तरह का फंक्शन गिवन हो सकता है जिससे आप मिन टर्म कैलकुलेट करते हैं बाय कन्वर्टिंग द फंक्शन इनटू द स्टैंडर्ड एसओपी फंक्शन. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन कन्वर्ट एसओपी टू अ स्टैंडर्ड एसओपी फंक्शन, कैनोनिकल फॉर्म. फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड सोप फॉर्म एंड द फंक्शन इज एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी सी. अगेन व्हाट इज माय प्रोसीजर. अब इसमें इस टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ए बी सी टर्म है, तीन ही लिटरल है मेरे पास ए बी सी और तीनों लिटरल यहाँ पे प्रेजेंट है ए बी सी. बट यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो इस फर्स्ट टर्म में ना तो बी है और ना ही सी है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे बी भी एड करना पड़ेगा बी प्लस बी बार और सी को एड करेंगे सी प्लस सी बार, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी एड द मिसिंग लिटरल्स विद कॉम्प्लीमेंट. नाउ मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स लाइक ए इनटू बी देन ए बी बार देन दिस विल बिकम सी प्लस सी बार देन अगेन मल्टीप्लीकेशन देन दिस बिकम ए बी सी देन ए बी सी बार ए बी बार सी एंड ए बी बार इंटू सी बार दैट इज ए बी बार इंटू सी बार प्लस ए बी सी एज इट इज. आफ्टर दैट अगर हमें यहाँ पे कोई रिवर्स टर्म यूज हो रही है, रिपीटेड टर्म है जैसे ए बी सी दो बार है तो हम उसे सिंगल टाइम लिखते हैं ए बी सी देन ए बी सी बार देन ए बी बार सी एंड देन ए बी बार सी बार. तो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट जिसे हमने बोला दिस इज माई स्टैंडर्ड सो फॉर्म. ओके, सो एक फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, जो भी लिटरल मिसिंग है मैं उस मिसिंग लिटरल को कॉम्प्लीमेंट मेथड में एड ऑन कर दे रहे हैं विद इट्स कॉम्प्लीमेंट एड ऑन कर देते हैं. ठीक है, now after getting the standard soap we can convert this value into its binary equivalent. kaise variable ko hum likhte hain simple 1 aur agar kahin bhi variable bar hai to usko hum represent karte hain 0 se. to like 1 1 1 to this become 1 1 1. yahan pe hai variable variable 1 aur ye kyunki variable bar hai to ise humne kis se represent kiya hai 0 se. then 1 0 1 then 1 0 0 for this function. theek hai, and then by using because this is a 3 bit code तो बाय द वेटेज 4 2 1 वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर जो कि हो गया यहाँ पे 7, नेक्स्ट नंबर हो गया यहाँ पे 6, दिस इज 101 दैट इज 4 प्लस 1 5 एंड दिस इज 100 यानी कि 4 के बेस पे इसका वेटेज है केवल, तो दैट नंबर बिकम्स 4. ओके, 8421 की बात हमने की थी बाइनरी कोड वाले लेक्चर में. अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है कि 421 कोड कैसे वर्क कर रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके बाइनरी कोड्स जो लेक्चर है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि बाइनरी कोड्स वेटेड बाइनरी कोड कैसे फंक्शनिंग करते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी कैन कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड सोप हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सोप फंक्शन इनटू इट्स स्टैंडर्ड सोप फंक्शन. सिमिलरली इसी तरह से देखते हैं नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म यानी कि पीओएस फॉर्म. तो पीओएस फॉर्म में भी क्या है, हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कैसी होती है, जहां पे कुछ सम गिवन होते हैं और देन उनका प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म. बट जैसा कि हमने एसओपी में देखा वैसा ही सेम पीओएस में भी होता है कि दिस वेरिएबल सपोज द फंक्शन इज 3 वेरिएबल फंक्शन ए बी एंड सी एंड दिस टर्म डजंट हैव सी लिटरल एंड दिस टर्म डजंट हैव ए लिटरल, यानी सारी टर्म्स में सारे के सारे लिटरल प्रेजेंट नहीं है, सम लिटरल्स आर मिसिंग. तो अगर मैं इन मिसिंग लिटरल्स को इसके अंदर पुट अप कर दूं तो उस टर्म को उस तरह से जो फंक्शन हमारा क्रिएट होगा हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड पॉज और कैनोनिकल पॉज फंक्शन. इफ ईच टर्म इन पीओएस फॉर्म कंटेन ऑल द लिटरल्स देन द पीओएस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड पॉज और कैनोनिकल पॉज, जैसा कि हमने सॉप में देखा था एसओपी में देखा. सो व्हाट इज द प्रोसीजर, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो we have the given question y is equal to a into a plus b plus c. now see there are two terms, one is a plus b plus c and the second one is a. ab yahan pe basically variables given nahi hai to maximum mere paas variable kya hai a b c, to main maan ke hi chalunga ki mera jo function hai that is a 3 variable function a b and c. to mujhe is second term mein koi problem nahi hai, ye meri term as it is chalega. but in the first term i don't have literal b and literal c. तो अब मेरा यहाँ पे क्या प्रोसीजर है एड ऑन करने का, सेम जैसे हमने बूलियन लॉ में पढ़ा था कि समथिंग वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी a इनटू a बार इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इस a में b डॉट b बार ऐड कर रहा हूं और c डॉट c बार ऐड कर रहा हूं तो अल्टीमेटली व्हाट इज इक्विवेलेंट फंक्शन, इज इक्विवेलेंट इज a प्लस 0 प्लस 0 यानी एक्चुअली इक्वल टू ए.
तो हम इस ए में जो मिसिंग लिटरल्स हैं वो था बी और सी, तो उसे कैसे एड ऑन किया, एडिंग बाय बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू सी बार। सिमिलरली सेकेंड टर्म आपके एज इट इज है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना। अब क्या हुआ, अब मुझे फर्दर इस टर्म को एक्सपैंड करना है, तो मैं एक्सपैंड कैसे करूंगा, मैं इसे एक्सपैंड ऐसे करूंगा, फर्स्ट मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, देन द सेकेंड टर्म ए प्लस बी प्लस सी बार। ओके, पहली टर्म आपकी बनी ए प्लस बी प्लस सी, देन सेकेंड टर्म आपने लिखी ए प्लस बी प्लस सी बार। ओके, देन इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म बनाओगे ए प्लस बी बार प्लस सी एंड देन बी बार प्लस सी बार। तो यानी कि इसे लिखने का मेथड है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यही टर्म मिलेगी बाय अप्लाइंग द बूलियन लॉस। बट मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे बनाना सीख रहा हूँ कि जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फर्स्ट स्टेप था जो लिटरल मिसिंग है, उस मिसिंग लिटरल को हमने यहाँ पे लिख लिया बी इंटू बी बार प्लस सी इंटू सी बार। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस, नाउ दिस इज द फर्स्ट लिटरल बी, तो मैंने फर्स्ट लिटरल बी लिया और फर्स्ट लिटरल इसका लिया सी। उसके बाद फर्स्ट लिटरल बी रहा, उसके बाद सेकेंड क्या ले लिया सी बार, देन नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस ए प्लस बी बार, हम बी बार को लेके चलेंगे, तो ए प्लस बी बार में एक बार सी एड ऑन हो जाएगा और ए प्लस बी बार में एक बार सी बार एड हो जाएगा, और ये जो टर्म था ए प्लस बी प्लस सी ये यहाँ पे आ जाएगा। नाउ जैसे कि हमने सेम काम वहां किया था, अगर एक से ज्यादा ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है ए, सो अगर ए इंटू ए है, ए इंटू ए, ए इंटू ए एज पर द बुलियन लॉ दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए, नॉट ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पे ए बी ए प्लस बी प्लस सी एक टर्म है और यहाँ पे भी आपका ए प्लस बी प्लस सी एक टर्म है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल टर्म ए प्लस बी प्लस सी। देन दिस टर्म इज एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज एंड दिस टर्म एज इट इज, तो चारों टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट उसके बाद फॉर मैक्स टर्म, नाउ एसओपी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिन टर्म्स, और पॉज से हम क्या कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने बात की थी लास्ट टर्म में कि हम सोप अगर हमें फंक्शन गिवन है एसओपी फॉर्म में गिवन है, तो एसओपी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एसओपी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिन टर्म्स। सिमिलरली अगर मुझे पीओएस फंक्शन गिवन है, पीओएस फॉर्म गिवन है, तो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इट्स स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, जैसे कि हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्स टर्म्स, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्स टर्म। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्स टर्म, द सेम प्रोसीजर, रिप्लेसिंग अ वेरिएबल बाय अ जीरो एंड वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट बाय वन, सी द चेंज ओवर हियर इन द पॉज फॉर्म। एसओपी के अंदर अगर आपको याद हो, एसओपी के अंदर हमने यहाँ पे किया था वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय वन बट बार इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो, बट इन पीओएस फॉर्म अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड अ बार इज रिप्रेजेंटेड बाय वन। सो अगर हम इस काम को करें तो यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स दिस ए रिप्रेजेंट जीरो, दिस बी रिप्रेजेंट जीरो एंड दिस सी रिप्रेजेंट जीरो। सिमिलरली द नेक्स्ट नंबर इज ए प्लस बी प्लस सी बार, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज वन। ओके, नेक्स्ट ए बी बार सी, तो ये हो जाएगा जीरो, देन दिस बी बार इज इक्वल टू वन एंड दिस सी फॉर जीरो, तो दिस इज जीरो वन जीरो एंड सिमिलरली दिस इज जीरो वन एंड वन। So we get the four values and these are called max terms. That's why this is denoted by the letter pi. Or capital M से भी represent किया था, that is called the max term. वहीं पर अगर मैं min term की बात करूँ, तो min term represent होता है summation sign से. Summation sign और small m. This is the representation for min term. Okay? So हमने क्या किया? सबसे पहले pause को हमने standard pause में convert किया. After that standard pause में convert करने के बाद हमें कन्वर्ट करना है मैक्स टर्म्स, तो मैक्स टर्म के लिए हमने सिंपल जो वेरिएबल होता है उसे जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है देन इट बी रिप्रेजेंटेड बाय द वन, एंड देन वंस यू नो द बाइनरी देन यू कैन कन्वर्ट इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट बाय यूजिंग अ 4-to-1 कोड, बिकॉज यहाँ पे 4-to-1 वेटेड कोड का यूज करके आप इन 3-digit की बाइनरी को, 3-bit बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 000 तो दिस इज 0, 001 तो दिस इज 1, 010 दिस इज 2 एंड 011 दिस इज 3। सो क्लियर, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि पीओएस को हम स्टैंडर्ड पीओएस में और मैक्स टर्म कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट इट टेक अनदर एग्जांपल, सो आई हैव टेकन दिस अनदर एग्जांपल लाइक ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, दीज आर द गिवन थ्री टर्म्स, दिस इज द वन टर्म ए प्लस बी, देन द सेकेंड टर्म बी प्लस सी एंड द थर्ड टर्म इज ए प्लस सी। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर था,
कि जो लिटरल मिसिंग है उस लिटरल को हम कैसे एड ऑन करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कॉम्प्लीमेंट। लाइक ए प्लस बी, सो ए प्लस बी के अंदर मैंने क्या एड कर दिया, ए प्लस बी के अंदर मैंने एड कर दिया सी इन टू सी बार। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वन टर्म। ओके, नाउ फर्दर मैं इसे कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी मेरी टर्म है ही, अब इसमें एक बार मैं सी को एड ऑन कर दूंगा और एक बार मैं एड ऑन कर दूंगा। एक बार हमने सी एड ऑन कर दिया, एक बार हमने यहाँ पे सी एड ऑन कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार हमने क्या एड ऑन कर दिया, ए प्लस बी में सी बार। सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म। ओके, सिमिलरली यू कैन सी द नेक्स्ट टर्म इज बी प्लस सी, तो यहां मैंने एड ऑन किया ए प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसे लिखूंगा पहले एक बार ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ए बी प्लस सी, और एक बार बी प्लस सी में क्या एड ऑन हो जाएगा, ए बार। तो बी प्लस सी में क्या एड ऑन हो गया, ए बार। सो दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। एंड सिमिलरली द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है ए प्लस सी, इसमें क्या मिसिंग है, बी डॉट बी बार। तो हमने यहाँ पे बी डॉट बी बार लिया, अभी से कैसे लिखेंगे, एक बार ए प्लस सी प्लस बी, एक बार ए प्लस सी प्लस बी, एंड देन ए प्लस सी प्लस बी बार। आफ्टर दैट वी हैव सिक्स इंडिविजुअल टर्म्स, सिक्स इंडिविजुअल टर्म्स। अब इसमें आप देख लेंगे कोई भी अगर टर्म रिपीट हो रही है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, तो दिस टर्म इज इन थ्री टाइम्स, बट हम इसको केवल एक ही बार कंसिडर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देन द नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस बी प्लस सी बार, देन द नेक्स्ट टर्म इज नाउ दिस वन, ए बार प्लस बी प्लस सी। देखिए मैंने इसे अरेंज कर दिया है ए बी सी की टर्म्स में, एंड द फोर्थ वन इज ए प्लस सी प्लस बी बार, जिसको आपने अरेंज कर लिया है ए प्लस बी बार प्लस सी। अगेन जो फंक्शन में ऑर्डर गिवन है ए बी सी, उसी की टर्म में मैंने अपने फंक्शन को, जो हमारी टर्म्स हैं उन्हें अरेंज किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जाता है, लाइक कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, देन इट्स ओके। बट क्योंकि मुझे इसके नेक्स्ट में स्टार्ट करना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप, और के मैप में जो रिक्वायर्ड इनपुट होता है वो होता है मिन टर्म या मैक्स टर्म। सो अगर फंक्शन इस तरह का गिवन है तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म या मिन टर्म कैलकुलेट करने होते हैं। सो मिन टर्म कैलकुलेट होते हैं फ्रॉम द एसओपी फंक्शन, और मैक्स टर्म कैलकुलेट होते हैं फ्रॉम द पीओएस फंक्शन, कैनोनिकल पीओएस। सो अब हमारे पास कैनोनिकल पीओएस आ गया है, तो बाय, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, रिप्लेस सिंपल वेरिएबल बाय जीरो एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल बाय वन। सो इट इज ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन जीरो जीरो एंड जीरो, तो दिस फंक्शन इज जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली जीरो जीरो एंड वन फॉर ए प्लस बी प्लस सी बार, तो दिस इज जीरो जीरो वन। देन दिस विल रिप्रेजेंट वन, दिस विल रिप्रेजेंट जीरो, दिस विल रिप्रेजेंट सी रिप्रेजेंट जीरो, तो दिस इज वन जीरो जीरो, एंड दिस वन इज जीरो वन जीरो। तो दीज आर द फोर लिटरल्स, फोर मैक्स टर्म्स, और इन मैक्स टर्म को बाय यूजिंग 421 बाइनरी कोड, 421, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द 421 कोड, 421 कोड इज द बाइनरी वेटेड कोड, जिसके थ्रू हम बाइनरी कोड का इक्विवेलेंट डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज 000, तो यहाँ पे फंक्शन 0 हो गया, 001, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, 100, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4, एंड 010, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। सो हियर अगेन आई एम राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, लाइक 0, 1, 2, 4, जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0, 1, 4 एंड 2, बट हियर आई हैव रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जिससे कि हमें मैक्स टर्म जब हम आगे में यूज करते हैं इन के मैप, तो हम इजिली इन्हें पुटअप कर पाएंगे। सो होप अभी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है, और कैसे आप लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ कैनोनिकल फॉर्म। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे के मैप मिनिमाइजेशन, के मैप मेथड फॉर बूलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दीज टर्म्स, ऑल दीज टेक्निक्स वी स्टडीड इन दिस यूनिट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही टेक्निक्स जो है आगे चल के भी हमें यूज करनी है यूनिट नंबर 2 में। सो ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे पढ़ा और मैं भूल गया, बट मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।